नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हरियाणा में शाह की हुंकार आज देखने को मिलेगी। हरियाणा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2019 के चुनाव के लिए हुंकार भरने जा रहे हैं और इसके लिए करीब 1,00,000 बाइकर्स के साथ में हरियाणा के जींद में बाइक रैली आज हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अम्बाला, करनाल और महेंद्रगढ़ से ये 3 तस्वीरें हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि सभी बाइकर्स जो हैं वो जींद के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि करनाल, अम्बाला और महेंद्रगढ़, ये 3 जगहों से आप ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भारी तादाद में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में आपको बता दें कि रामविलास शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं 3 अलग अलग जगहों से, और जिनमें इस वक्त कृषि मंत्री ओपी धनखड़ बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं तमाम वहां पर पहुंचे लोगों को, रैली को सीधे सुनवाते हैं आपको। मंत्री और अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव बहन सुधा यादव जी, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथ ही भाई कृष्ण पवार जी, बनवारी लाल जी, नायब सैनी जी, करणदेव कंबोज जी, बहन कविता जैन जी, हमारे सांसदों में चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे वो मंत्री राव नरवीर सिंह जी, रतन लाल कटारिया जी, हमारे करनाल के सांसद एवं अन्य सभी मंच पर उपस्थित मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, इस विशाल रैली में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए मेरे सभी, आज मैं सबको युवा कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि बुलेट पर अलग अलग कलर की मोटरसाइकिल पर जब युवा चलता है और युवा मन के साथ चलता है तो वो सारा का सारा युवा है। आज जो हरियाणा की यहाँ युवा शक्ति उपस्थित हुई है, इस सारे को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय, शायद पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया कि युवाओं को ललकारते हुए और अपने अपने कोने में, चाहे वो होडल से है, चाहे कृष्णपाल जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की, बिल्कुल मथुरा से सटते हुए वहां से मोटरसाइकिल पर चले हैं, चाहे बनवारी लाल जी जहां एकदम किनारे से जो है पावर से चले हैं, रामविलास जी जिस जिले से आते हैं नांगल चौधरी का वो किनारा, और गणेशी लाल जी जहाँ से आए हैं वो एकदम डबवाड़े पंजाब के बॉर्डर से, बहन कविता जी की जहाँ से फोटो छपी हैं वो बागपत का सिरा, मैं कहता हूँ भिवानी में जहाँ लोहारू झुंझुनू के इलाके से टच करता हुआ, धर्मवीर जी जहाँ से चले हैं, ये सब इलाकों से इतनी इतनी दूरी से चलते हुए जो ये शक्ति यहाँ पहुंची है, इस शक्ति पुंज को मैं प्रणाम करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आज का ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है। मैं बहुत ही आनंद की बात है कि सारे विपक्षी दलों ने किसी जैसा उनका मन था वैसे झंडे लेके हमारा स्वागत किया है। उनके रंग तो उनके मन के होंगे, लेकिन हमारे लिए वो रास्ते पर खड़े थे। कई बार मैं तो महसूस करता हूँ कि जननायक चौधरी देवीलाल हरियाणा के कितने बड़े नेता थे, लेकिन आज उनकी संतान किस तरह से फुग्गे लेके और काले चिथड़े लेके और हमारे स्वागत करने के लिए रास्तों पर खड़ी हुई है। बुजुर्गो, नौजवान साथियों, जब कोई काम नहीं बचता, जब कोई ठीक से इस तरह का विजन नहीं बचता, तो पकोड़े लेकर हमारे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं कि हमारे पकोड़े ले लो, पकोड़े ले लो, समझ लो कि आने वाला समय उन लोगों के लिए कैसा है, इसको हम समझ सकते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पिछले 10 साल हुड्डा सरकार के, 5 साल चौटाला सरकार के, भाई संजय भाटिया ने कहा कि ये सरकार जब किसानों के लिए काम करती है तो देश में सबसे अच्छा करती है और इतिहास में सबसे अच्छा करती है। मुझे ये कहने में गर्व और गौरव है, हरियाणा के किसान को हमने जोखिम फ्री कर दिया है। ये पहली ऐसी सरकार है जो स्वामीनाथन से आगे बढ़ के, स्वामीनाथन की सिफारिश 10,000 रुपए की थी,
हमने 12,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया और 3 साल में 3,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिया, 3,034 करोड़ रुपया। अरे अड़ोस पड़ोस में राज्य हैं, तुलना कर लो, आपका हरियाणा इस मामले में सबसे आगे है। भाई कहते थे अनाज वाले सुरक्षित हो गए, हम सब्जी वालों का क्या होगा? अरे भावांतर भरपाई योजना पूरे भारत में पहली बार। अब चिंता ना करें, प्याज वाले भी, आलू वाले भी, टमाटर वाले भी, गोभी वाले भी, आपको अपनी सब्जियां सड़कों पर ये सरकार फेंकने नहीं देगी। आपकी जो लागत है आपके खाते में पहुंचा देंगे, ऐसी सुरक्षा देने वाली पहली हरियाणा सरकार खड़ी हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बार बार एक सवाल उठता था कि 50% मुनाफे के साथ फसलों के दाम, इस प्रकार इस बार के बजट में कृष्ण पाल गुर्जर जी यहाँ है, भाई केंद्र के हमारे सभी सांसद यहाँ है, इन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत की पार्लियामेंट में इस बार घोषणा की कि आने वाली खरीफ की फसलों से फसलों के दाम हम 50% मुनाफे के साथ देंगे। भाई दो आर्थिक सिफारिशें थी स्वामीनाथन साहब की, दोनों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। जो ये आवाज लगाते थे, खास करके मेरे को पूछते थे, ओम प्रकाश धनखड़ तने कुर्ता उतारा था, तूने स्वामीनाथन सिफारिश के लिए कुर्ता उतारा था, विधानसभा में भी सवाल करते थे, रामविलास जी आपको ध्यान में है, और बाहर भी सवाल करते थे, मैंने बताया भाई कुर्ता उतारा था, और तुलना करते थे सलमान खान से, भी सलमान खान कुर्ता उतारता है फिल्मों में, आपने भी सलमान की तरह कुर्ता उतारा था। हाँ मैंने कहा उतारा था, सलमान खान का कुर्ता तो 100 करोड़ में पड़ता है और ओम प्रकाश धनखड़ सुभाष बराड़ा ने कुर्ता उतारा तो 3,034 करोड़ किसानों के खाते में गया। हमारा कुर्ता उतारना भी यहाँ के किसानों के अन्नदाता के हक में है। स्वामीनाथन की जिस रिपोर्ट की दवाई देते थे वो लागू कराई है। भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, तीसरा मैं आपको न्योता भी देना चाहता हूँ। 16, 17, 18 मार्च को रोहतक में हमने तीसरा किसानों के लिए बड़ा मेला एग्री लीडरशिप समिट, आपको निवेदन करता हूँ, लाखों की संख्या में आप पहले भी आते हैं, जब हमने रावण नरवीर जी के यहाँ गुड़गांव में भरा तो भी बड़ी भारी संख्या में आप पहुंचे थे, जब कृष्ण पाल जी के यहाँ सूरज कुंड में भी भरा तब भी बड़ी भारी संख्या में पहुंचे थे। इस बार रोहतक में किसानों का ये बड़ा सम्मेलन मार्च में कर रहे हैं, उसका निवेदन आपको करता हूं कि बड़ी भारी संख्या में पहुंचना, किसानों के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो हम करने जा रहे हैं। गणेशी लाल जी ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लिखा था, गन्ने की खेती होती थी, मैं कृषि मंत्री के नाते बताना चाहता हूँ कि अब हमारी गन्ने की खेती 2 लाख हेक्टेयर में है, और एक क्रांति हो रही है। हम एक सपना लेके चले हैं कि कैसे हरियाणा के किसान की सकल आमदनी, ग्रॉस इनकम किस तरह से हम 1 लाख रुपया प्रति एकड़ ले जाए। लगातार इस पर काम कर रहे हैं, हम संपन्नता का द्वार किसान के लिए खोलना चाहते हैं, गांव के लिए खोलना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो सरकार है जिसने हरियाणा में पढ़े लिखे पंचायतें बनाई हैं, ये वो सरकार है जिसने सरपंचों को 20 लाख रुपए तक अपनी मर्जी से खर्च करने का हक दिया है। तो रैली स्थल से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को अभी आपने सुना।